ये बीमार था, ये ना दफना के आते हैं। ये एक रह गया है, वर्मिंग करते हैं, बॉटिक्स वगैरह लगाते हैं। आज सारे को भगाता हूँ दूसरे कमरे में, मैं आवाज दूंगा तो मेरे पास कोको आ जा। अच्छा दोस्तों, असल मसला इसकी नाक देखें, इसकी शक्ल भी अरहम की देखें, इसकी कालों का फेस है और अरहम का भी जो है ना काला सा। ये है जी सियाम, कोटी पे भी इंजेक्शन लगे हैं, इसके पार देखें पूरे फेदर्स हो गए, सारे पार आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, मैं वेट कर रहा हूँ यार, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं, सबसे पहले चलते हैं छत के ऊपर, ऊपर जा भी यार सोचे हल चेक करते हैं, तो चले मेरे साथ, चले जी व्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सुबह सुबह मैं छत पे आया हूँ इनको खाना खिलाने के लिए, तो मैंने क्या देखा यार, एक ना रैबिट मर गया, वो ना बीमार था पहले से ही, मगर ये देखिए अभी मैं आया हूँ ऊपर और इसको देखते हैं यार। ये ना इसको कल ना जब से आया था ना तब से ना ये बीमार था, ये देखिए बेचारा ना देखे। बड़ा हुआ था कल ही, ये ना कुछ सही नहीं था, बीमार था और शुरू से जब से ना लाया था ना, तो अब इसको यार रखते हैं। बाकी यार कुछ जानवर और भी थोड़े से ढिले हैं, इनको आज डिवर्मिंग करते हैं और साथ में इनको मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि यार ये ठीक रहे। अभी फिलहाल यार इसको कहीं रखते हैं, अभी ये देखे भूखे हुए हैं तो इनको खाना छाना डालते हैं। अब चलो अंदर भी चलो, अभी चलो मैं कभी देता हूँ, ये देखे दोस्तों। नहीं दोस्तों, इनको पहले खाना डालें फिर यार बाकी काम करते हैं। दूसरे बर्ड्स को भी खोल के खाना छाना खिलाते हैं और इनको पहले खिलाएं। ये देखें यार, अब इनकी ना प्रॉपर डाइट शुरू करनी है और इनको आज ना मेडिसिन वगैरह करवानी है मैंने सारी, तो इंशाल्लाह। अंदर ही चलो, अंदर चलो, अंदर खाना आ रहा अंदर। ये यार ये है एक उसका, उसके साथ में पैर के साथ लाया था ये हटोट, ये एक रह गया और एक फोर्थ हो गया बेचारा, और ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर आज इसको मैं मेडिसिन वगैरह कराऊंगा, बाकी को भी करवाऊंगा। ये ना कुछ ढीले ढीले लग रहे हैं, एक इनमें ख़ास तौर पे उसको नोज से ना थोड़ी सी इसको भी यार आज ना मैं कोशिश करके ना इनको सबको मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ, कुछ इनकी वर्मिंग करते हैं ताकि यार ये एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाते हैं तो ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा यार, अब पिजन्स की बात है, इनको खोलते हैं यार, सारे जानवर देखने भी पड़ते हैं साथ साथ, कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ। आज भाई आज बच्चों, आज 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 सारे बच्चे, आज 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 सारे, सुबह खोलने से पहले यार इनको सबको एक दफ़ा देखना पड़ता है कोई मसला मसाइल तो नहीं। जैसे एक अभी आपने देखा एक रैबिट को मसला हो गया तो मर गया, वो पहले ही बीमार था कुछ और कुछ। अभी यार वो मैं देख रहा था अंदर, उन्होंने अंडे शंडे दिए हुए, एक तो वो बैठी हुई अंडों पे और बाकी जो जो है जो उठ के आ गए हैं बाहर, वो देखे उनके अंडे वो पड़े हुए सामने, एक अंडे वो पड़े हुए, ये जो कि अभी उसका भी एक अंडा पड़ा हुआ, बाकी खाना चाना खा रहे हैं, बाकी बर्ड्स को भी खाना चाना डाल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये कोको को मैंने सुबह सुबह निकाला है और इसको थोड़ी सी फ्लाइंग करवाएं, कोको चल कोको आजा। यार तू तंग नहीं पड़ता है उड़ने से? यार ये जो है ना, ये देखिए इसको, अभी ना मैं इसको भगाता हूँ दूसरे कमरे में, अभी चला गया ना यार दोस्तों, ये देखिए अभी मैं आवाज दूंगा तो मेरे पास आएगा, कोको आजा कोको। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह आवाज दो तो आ जाता है, इसको अब समझ आनी शुरू हो गई कि मेरा नाम कोको है और मुझे मेरा मालिक बुला रहा है, कोको हेलो कोको कोको। यार मैं मेडिकल स्टोर पे आया था, ये जानवरों का मेडिकल स्टोर है, तो ये वार्मिक लिया है, ये
ये होता है एंटीबायोटिक्स है और ये खारिश के लिए है, खारिश हो जाए, एलर्जी हो जाए उसके लिए। और ये पिलाने वाला सिरप है, ये एंटीबायोटिक्स है। ये देखिए, ये अगर कोई इश्यू हो ना नज़ला ज़ुकाम खांसी तो ये ठीक कर देगा। अभी चल के अपने खरगोशों को ये पिलाते हैं और फिर उनको धूप में आग रखते हैं। यार यार खरगोशों को धूप में हम लोग ले आए हैं, अब इनको ना ये वैक्सीनेशन शुरू करवाते हैं वार्मिक वाली, और ये सरिंजे वगैरह ले आए और साथ ये एंटीबायोटिक्स है। तो अभी देते हैं इनको और साथ साथ आपको दिखाते हैं भी इंजेक्शन किस तरह लगा। अच्छा दोस्तों, अब इसकी बारी है जी, इसको इंजेक्शन लगाते हैं। ये वैक्सीनेशन हो रही है इसकी, तो इसकी यहाँ से हम लोगों ने ये स्किन पकड़नी है यहाँ से, और इसको फिर जो शुगर की सरिंज है ना वो लगा देनी है वाली बुक की। हाँ रेड वाला ठीक है। असल मसला इसको था, इसकी नाक देखें, ये फंगस होती है, इसको बोलते हैं कि जो नज़ला ज़ुकाम और खारिश पड़ जाती है ना, ये जो हम लोग लगा रहे हैं ना ये है जी डिवार्मिंग, इससे ये होगा एंटीबायोटिक्स वगैरह है तो इसका ये फंगस वगैरह चला जाएगा। और बाकी नज़ले ज़ुकाम के लिए मैं वो सिरप लाया हूँ, ये वाला, ये सिरप देंगे तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। लगने वाला टीका से बड़े बड़े इसकी स्किन पकड़ी और टीका लगे क्यों ले रहे तो तेल भी ले आता ना इसके नाक में लगा देते हैं। ये लगने वाला टीका, इसकी शक्ल भी अरहम की तरह है, देखें इसकी कालों सा फेस है और अरहम का भी जो है ना काला सा फेस है, तो इसको भी हम लोग इसकी पोटी पे टीका लगाएंगे। अरहम की पोटी पे भी लगाते हैं ना, तो इसकी पोटी पे भी टीका लगाते हैं। जान तो निकाल है बंदर टीका लगते लगे जी अरहम की पोटी पे। चलो चल भाई, तू भी चल। खांसिया वाला अरहम अब उड़ानी की पोटी। अच्छा जी, ये है जी श्याम पट्टी, ये इसकी पोटी पे भी इंजेक्शन लगेगा। इसका मुंह देखे श्याम की तरह और इसके पाप देखें, ये देखे जी। और अभी हम लोग हुरैन को भी पकड़ेंगे, अभी तो हम श्यामू को पकड़ के इसको इंजेक्शन लगाएंगे। चलो जी, ये जी श्यामू को भी टीका लग गया इसकी पोटी पे। ये दोस्तों अब हुरैन की बारी आ गई है, ये देखें हुरैन के बाल, देखें कैसे गंदे मंदे बाल हैं, ना तेल लगाती है ये ना कुछ करती है, और इसको पहले लगाती है जी हुरैन। अब तुझे किधर टीका लगाए हैं, पोटी पे लगाएंगे तेरे बालों पे। अच्छा यार, एक खरगोश है उसकी नाक पे ना खारिश है, तो उसकी नाक पे हम लोगों ने ना यहाँ पे ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, इसकी नाक पे हम लोगों ने, इसको फंगस बोलते हैं, इसकी नाक पे हम लोगों ने ना ऑयल लगाना है। कल भी मैंने लगाया था तो आज फिर और लगाते हैं। चल अरहम, ये देखिए दोस्तों इसकी नोजी पे ना ऑयल लगा दिया, अब इसका जो नाज है ना नरम होना शुरू हो जाएगा। फंगस के लिए आपको आपके सामने हमने वार्मिंग का इंजेक्शन लगा दिया है, इंशाल्लाह
आज इसको धूप को धूप में रखते हैं ताकि यहाँ थोड़ी सी एनर्जी शनर्जी इनमें आ जाए। यार डिवॉर्मिंग हो गई थी, अब ना ये सीरम है एक एंटीबायोटिक, ये सबको दें, इसको भी दें। दोस्तों पहले नहीं पता था ना, अब पता चल गया। इसको थोड़ा सा निकालना है इसके मुँह में ना, तो ये देखें ये खुद ही खा गया। चल अब बाहर इसको भी सीरम दे दिया, अब इनको सीरम देते हैं ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। आ जा तू भाई, अब तेरी बारी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिटाना है, ऐसे चल से चल मुँह। ये मजे से मज़ा आ रहा है ना। चलो जी इसको भी हो गया, ये छोटा। अब इसकी बारी, ये भी ढिल्ला ढिल्ला है। चल 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 पी। ये जी इसको भी मैंने दे दिया है, छोटा बच्चा। इसको भी छोड़ दिया नीचे। चल इसको भी, इसको भी दोस्तों ये लटा के ना, ये ऐसे दो सीसी। ये छोड़ दो, इसको क्या करना है। अब इसकी बारी है, इसको थोड़ा सा दे। खान भाई चलो, कालू खान तुझे भी चल चल चल। ये जी इसको भी दे रही है सीरम। और अब बारी है जी ये काले, अजय कालू तुझे भी दो। वो नीचे देखा करो ना, सीरम पड़ा है। चल इसको भी यार दोस्तों, चल 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 ऐसे रुको यार, रुको तंग कर रहा है इसके, ऐसे कानों से पकड़ के रह छोड़ दे ये। चल अब जा, अब एक रह गया है। ले जी दोस्तों ये आखिरी रह गया, इसको भी मैं ऐसे दिलाऊंगा। चल दोस्तों ये ना अभी देखे फुल भूखे हुए हैं। ये भी सबसे पहले यार इसको मैं खाना खिलाऊँ जरा, भूखे देखे कैसे। और ये खाना इसका बन गया है, सबसे पहले यार इसको खिलाता हूँ। आजा 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 कोको, आजा आजा कोको। ये देखिए आ गया, इनको भी भूख लगी और इनको भी भूख लगी। खाना खिलाऊं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी दोस्तों इनको खाना खिला दिया है, अब इनके पर देखे पूरे हो गए हैं फैदर, और इसके भी फैदर चेक करें अभी। इधर आजा, इधर थोड़ा सा दोस्तों को भी खा रहा है। ये देखें पूरे फैदर्स हो गए, सारे पर आ गए इसके, और उसके भी सारे पर आ गए। और ये रहा जी हमारा ये कोको। कोको अभी चल, मैं नमाज का टाइम हो गया तो अभी चल आओ, चलो आप अंदर खाना खा लिया ना बस ठीक है। नहीं दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी अल्लाह हाफिज़।